दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को आप लोग ऑनलाइन करते हैं और वो प्रोडक्ट है वो आपके घर के एड्रेस पे आ भी जाता है और किसी वजह से उस प्रोडक्ट में आप लोग की ख़राबी आती है या आप लोग को उस प्रोडक्ट को वापस करना होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को रिटर्न या एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट आप लोग के घर के एड्रेस पर आ जाता है और उस प्रोडक्ट में कोई ख़राबी होती है, टूटा फूटा होता है, तो उस प्रोडक्ट को आप लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं या रिटर्न करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में आप लोग मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यान से देखिए। अब दोस्तों मैंने प्रोडक्ट मंगाया था, मोबाइल का होल्डर मंगाया था, तो इस होल्डर में मुझे जो एक और प्रोडक्ट है तो वो नहीं मिला है, तो इसकी वजह से मैं इसको जो है रिटर्न करना चाहता हूँ, एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा वो आप लोग को बताऊँगा। ये प्रोडक्ट मेरे घर पे आ चुका था और एक और चीज़ इसके साथ जो होल्डर था वो भी आना था लेकिन वो नहीं आया, सिर्फ यही प्रोडक्ट आया है, तो मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरे घर के एड्रेस पर आ चुका है, ये जो ट्राईपॉड होता है उसका होल्डर होता है, तो आप लोग यहाँ पे ये मैंने पहले रिटर्न जो है कर दिया था और इसको कैंसिल भी कर दिया है और मैंने सोचा एक वीडियो आप लोग के लिए बना देता हूँ। तो आप लोग जब कोई प्रोडक्ट आपके घर के एड्रेस पे आ जाता है तो आप लोग को यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखने लगता है रिटर्न का, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ये रिटर्न पॉलिसी वैलिड टिल सैटरडे नवंबर 26। तो ये रिटर्न की जो पॉलिसी होती है वो आप लोग 3-4 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर सकते हैं और अगर आप लोग ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आप लोग रिटर्न नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे टाइम डेट दिखा दिया जाता है कि आप लोग कब तक इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को नीचे ही रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आप लोग जो है प्रोडक्ट आप लोग फ्लिपकार्ट पे आ जाइए और यहाँ पे अकाउंट पे आइए और अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक ऑप्शन माई ऑर्डर, ऑर्डर करके ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑर्डर सारा ऑर्डर्स पे बस जस्ट आप लोग क्लिक कर दीजिए और आप लोगों ने जितने भी ऑर्डर किए होंगे यहाँ से वो आप लोग के सारे ऑर्डर यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो ऑर्डर है मेरे यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। अब नीचे आइए और आप लोग को नीचे मिल जाता है रिटर्न, रिटर्न वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो रिटर्न पर आप लोग बस जस्ट क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे रिटर्न पे तो आप लोग को यहाँ पे ये प्रोडक्ट का दिखाया जाएगा कि आप लोग किस वजह से इसको रिटर्न करना चाहते हैं, प्रोडक्ट इज मिसिंग, तो ये प्रोडक्ट आप लोग का मिसिंग हुआ है, रिसीव रॉन्ग आइटम हुआ है या आइटम डिड नॉट टर्न ऑफ अराइव हुआ है, तो मतलब जो भी आप लोग की रीज़न है जिस वजह से आप लोग रिटर्न करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट इज़ मिसिंग यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है माई ऑर्डर डिटेल्स एज एज मिसिंग और इट्स वाज मिसिंग, तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, मैं एज एज सेलेक्ट करूँगा और कमेंट में आप लोग कुछ भी डाल दीजिए कि प्लीज़ रिटर्न प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्लीज़ रिटर्न, मतलब कुछ भी डाल दीजिए और मतलब ऐसा ही डालिए कि आप लोग के प्रोडक्ट किस वजह से आप लोग रिटर्न करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप लोग को मिलता है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिए। अब ये बोल रहा है व्हाट डू यू वांट रिटर्न, आप लोग रिप्लेसमेंट चाहते हैं या रिफंड चाहते हैं, मतलब आप लोग को ये बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट मतलब होता है कि आप लोग इस प्रोडक्ट को वापस दोबारा चाहते हैं या आप लोग इसका जो पैसा है उसको रिफंड लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जो भी चाहिए आप लोग जो प्रोडक्ट है वापस रिटर्न करना चाहते हैं और उसका पैसा लेना चाहते हैं रिफंड पे आप लोग क्लिक कर दीजिए और आप लोगों को यहाँ पे रिप्लेसमेंट चाहना है, मतलब आप लोग इसी प्रोडक्ट को वापस लेके आना है सही प्रोडक्ट, तो रिप्लेसमेंट पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद इतना काम करने के बाद कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक कीजिए और सबमिट रिक्वेस्ट पर आप लोग क्लिक कर दीजिए और जैसे आप लोग सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये प्रोसेसिंग होती है, थोड़ा वेट कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लेसमेंट सक्सेसफुली, तो हमारा जो रिप्लेसमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका और यहाँ पे अप्रूव्ड भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से आप लोग फ्लिपकार्ट में जो भी ऑर्डर लगा देते हैं तो उसको आप लोग आसानी से रिटर्न कर सकते हैं अगर आप लोग प्रोडक्ट आ जाता है, और आप लोग का जो रिटर्न आई डी है वो आप लोग को दे दी जाती है और इसको आप लोग नोट करके रखिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट को रिटर्न करने में या एक्सचेंज करने में कोई भी दिक्कतें परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।